जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बोलते हैं अपन उसको, लोअर हाई लोअर लो, वही कॉन्सेप्ट है ना। मैं भूल जाता हूँ ना पढ़ाते पढ़ाते, ध्यान नहीं रहता क्या बोला, किस दिन क्या बोला मुझे ध्यान नहीं रहता, तो याद दिला दिया। लोअर हाई लोअर लो पे मार्केट चल रहा है इतने दिनों से, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ मार्केट में तेजी अभी नहीं करनी है। सब करनी है 17,250 के ऊपर, उससे पहले मार्केट में तेजी करनी ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड का ही ट्रेड ढूंढने हैं अपने को, धंधी के ट्रेड ढूंढने हैं और पैसा बनेगा। परसों भी बोला था, कल भी बोला और आज की वीडियो में भी सेम बोल रहा हूँ। आज भी मार्केट ओपन हुआ तकरीबन 17,076 में, और ऑलमोस्ट हाई भी वहीं पे है, 109 के आसपास का हाई है, लेकिन डाउन साइड में 945 तक रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 17,100 से 16,900, 150 का फॉल है निफ्टी के अंदर में। तो जिसको पैसा बनाना था अच्छा पैसा बनाया, पास की छोड़ो, एट द मनी छोड़ो, डीप आउट द मनी के अंदर 15-15 रुपए की मूवमेंट आई है। आज हमने वही कैच की थी। हम लोग फ्राइडे के दिन, मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो से बोल चुका हूँ, फ्राइडे का दिन हमारा ऑप्शन राइटिंग का नहीं होता, ऑप्शन बाय करने का रहता है। फ्राइडे के दिन आपको कोई भी ऐसी पुट या कॉल, आपको लग रहा है कि मार्केट मेरे को अपसाइड लग रही है दिन भर में, या 2 बजे के बाद मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो कोई भी एक कॉल उठा लो जिसका रेट 15 से 20 रुपए के आसपास हो, और उसका स्टॉप लॉस ले लो 10 रुपए ले, छोड़ दो, आपको 10 रुपए देके जाएगी वो, अगर आपके हिसाब से मूवमेंट आ रही। अब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उसी हिसाब से सेम कोई दूर की फुट उठा लो, रेट 15 से 20 होना चाहिए, स्टॉक में 10 रुपए लगा के ऊपर 10 रुपए का टारगेट होना चाहिए। ये आपको फ्राइडे के दिन आराम से मिल जाएगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन ऑप्शन के प्रीमियम जो गिरते नहीं, चढ़ते ज्यादा, लेकिन डिपेंडिंग अमाउंट विक्स क्या चल रहा है और डिपेंडिंग अमाउंट की आपके हिसाब से मूवमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, क्या हमें मंडे को कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज करना है कि नहीं करना है, या अभी भी शॉर्ट में बने रहना है, एक बार देख लेते हैं। आ जाओ स्क्रीन पे। तो गाइस ये रहा चार्ट निफ्टी का, सेम कल वाले बना के छोड़ा हुआ मैंने। मैंने बोला ना ज्यादा ड्राइंग्स बनाने से कभी पैसा नहीं आता, तो मैं ड्राइंग बनाता भी नहीं, जो चार्ट एक बार बना दिया पूरे महीने के लिए वही चार्ट चलता है, उसमें एडजस्टमेंट करते रहते हैं बस, कि कुछ अगर चेंज है तो चेंज करते हैं। जैसे इधर आ जाते हैं, डेली का चार्ट है, ये कैंडल आज की हमारी, ये वाली ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से क्या किया, पुल बैक लिया, वापस नीचे आता है, प्रीवियस जो हमारा लो था उसको ब्रेक करता है, अगेन पुल बैक लेता है, वापस ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस में फंसता है, फिर से नीचे आता है, अब वापस से कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आने का ट्राई कर रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, तो क्या लगा रखा है क्या गंदे गंदे गाने लगाते रहते हो तुम ऑफिस में। ठीक है, तो क्या करेगा मार्केट अभी, वापस से नीचे देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका है, जो मैंने बताया था ना डिमांड सप्लाई, सप्लाई जोन तो अपना बहुत अच्छा मार्क ऑलरेडी हो रखा है, सप्लाई जोन में कोई चेंज नहीं है, वहीं पे जब तक जाता रहेगा नीचे आता रहेगा, जब तक 260 क्रॉस नहीं करता ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। 260, हाँ जब तक 260 एक लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, जब तक वहां पे 150 से लेकर 200 की रेंज में आ रहा है आप शॉर्ट करते रहो और 260 का सेल लगाते रहो। नीचे में हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, तकरीबन 16,830 से लेकर के 16,980 तक, ये पूरा जो 150 पॉइंट का जो है ना, ये बहुत अच्छा एक डिमांड जोन है, इस रेंज में आप बाई कर सकते हो, नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो 16,800 या 16,790 का, और यहाँ पे एक बार बाय करने का चांस ले सकते हो, मार्केट यहाँ से रिकवर 200 से 300 पॉइंट कर सकता है, एक चांस है, ठीक है। तो अपन मंडे को देखते हैं अगर मार्केट रिएक्ट क्या करता है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है तो मैं अगर बाय करूंगा और स्टॉप लॉस लगा लूंगा 16,790 का, और उसके बाद आराम से बैठूंगा, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो जयराम जी कर दूंगा और साइड हो जाएंगे। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में अगर मेरा यहाँ पे, मैंने लेट सपोज मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे मेरा ऐसे रेट हुआ, मार्केट नीचे गया वापस ऊपर आया, जब पुल बैक करके यहाँ पे वापस टच करेगा ना, मैं फिर एक शॉर्ट बनाऊंगा, अगर उस टाइम पे भी इसने वापस से मेरे स्टॉप लॉस कट किया जो कि यहाँ पे बनेगा कुछ 100 पॉइंट का, तो उसके बाद हम फिर इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, फिर हम वेट करेंगे 260 वाली रेंज क्रॉस होने का। दैट मीन्स अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस खाने के बाद ऊपर आता है, दैट मीन्स कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो अपन ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे कुछ चांस लेंगे और यहाँ पे कुछ चांस लेंगे, अपने पास चांस लेने के सिर्फ दो ही लेवल है, बीच की जितनी भी ट्रेडिंग है ना उसको इग्नोर मारो, बीच में ट्रेड करने ही नहीं, ये सारा नो ट्रेडिंग जोन है, तो इग्नोर मारना है अपन ने, फुल कुछ नहीं करना, तो अपन तो ट्रेड का लेना है या तो ऊपर या यहाँ पे नीचे, या तो सप्लाई जोन पे या डिमांड जोन पे, दैट्स इट, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं लेना। तो चलो गाइस आज भी अच्छा ट्रेड बना अपना, आज भी पैसे अच्छे बने, मैं आपको बताता हूँ एक बारी कहाँ पे ट्रेड लिया था आज मॉर्निंग वाला।
देखो आज ना एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है एसटीडी को लेकर। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऑप्शंस के ऊपर में एसटीडी बढ़ा दी है, फ्यूचर ऑप्शन दोनों की ट्रेनिंग। तो जो न्यूज आई थी वो आई थिंक कुछ यहाँ पे न्यूज आई थी इस लेवल पे, अगर आप ये देख रहे हो इस लेवल पे न्यूज आई थी। तो हुआ क्या था कि आज के दिन मार्केट को ऊपर जाने के लिए ना कुछ भी कोई फैक्टर नहीं था ऊपर जाने, ओपन इंटरेस्ट रेस्ट कर रहा था डाउन साइड। ठीक है, मार्केट में प्रेशर भी था, सारे स्टॉक्स नीचे थे, जितने कंपोनेंट थे मार्केट निफ्टी के इंडेक्स के वो सारे स्टॉक नीचे थे। अपना ये ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी निफ्टी बेरिश ही था। न्यूज हमारी बेरिश आ गई, विक्स हमारा ऊपर है। ठीक है, ऑप्शन के प्रीमियम सजेस्ट कर रहे हैं कि कॉल साइड में ज्यादा प्रीमियम है, तो मार्केट ऊपर जा कैसे सकती है? कोई फैक्टर नहीं था मार्केट को ऊपर जाने का, कोई सवाल नहीं उठता था। तो हमने क्या करा, हम यहाँ पे तो शॉर्ट में थे ही, हम यहाँ पे और शॉर्ट में आए, और यहाँ पे और शॉर्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पे कहीं पे कवर कर दिया। मतलब मैंने यहाँ तक वेट नहीं करा, मैंने यहीं पे कहीं पे कवर कर दिया, बिकॉज मुझे ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट मिल गए थे, मैंने कवर कर दिया। तो अपने को डेली 50 से 70 पॉइंट निफ्टी के अंदर मिल रहे हैं, दैट्स इनफ। मतलब रोज का करोड़ रुपए तो आप नहीं कमा सकते ना, अपनी लिमिट डिसाइड करो कि कितना लॉस कर सकता हूँ और कितना प्रॉफिट दे सकता हूँ, उसी हिसाब से बुक करो और निकलते हो। कुछ वेट मत करो कि आज ही पैसा कमा के निकलना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है गाइस, चलो अब मंडे को एक और वीडियो लेके आता हूँ, उसमें मिलते हैं और देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।